गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आज जो है ना डीबीपी मैंने भेज दी थी उसी दिन, सबको मिल गई होंगी। तो डीपीपी यदि मिल गई होगी तो ऑब्वियस बात है सॉल्व भी हो गई होगी फिर तो। ओके, साथ में जो लास्ट क्लास का जो डिस्कशन रह गया था, आंसर की नहीं भेजी ना, तो आपके पास कहाँ से आंसर क्यों? मैं बताऊंगा ना आंसर किसके क्या आंसर है। बाकी तो सब सॉल्व हो ही गया था। चलो भाई, रिमोट कंट्रोल ऑफ द, भाई सिद्धेश क्या बात है भाई, क्यों भाई परमिशन मांग रहे हो स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए? पहले डिस्कस करेंगे किसको, डीपीपी को डिस्कस करूंगा मैं पहले, ठीक है? उसके बाद डिस्कस करूंगा फिर मैं एमएस चौहान के डाउट। तो पहले डीपीपी को डिस्कस करता हूं मैं। तो डीपीपी वन सब लोग अपना अपना नहीं खोल लीजिएगा डीपीपी वन, ठीक है? और उसमें पहला, उस डीपीपी वन में जो था कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मे शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये है ना सब लोगों के पास बेटा। डीपीपी निकाली सब लोगों ने अपनी अपनी। ओके, स्क्रीन पे दिखाऊं डीपीपी को कि मतलब कि बस आंसर लिख दूं सीधा? स्क्रीन पे भी डीपीपी देखना चाहोगे क्या? तो डीपीपी वन है जो, और ठीक है, ये दिख रहा होगा बेटा डीपीपी वन स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन, ये कंपाउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा क्या? मैं इसके आंसर पे टिक करता चला जा रहा हूँ। देखो अब एक एक करके सबके आंसर ही समझ में आते जाएंगे, मैं सॉल्व भी कर दूंगा और, ठीक है ना? इसका जो आंसर होगा वन वाला शो करेगा, ठीक है? 2 मिनट हो जाओ। अच्छा एक काम करता हूं मैं,
देखो यदि मैं इसकी बात करूं कि भाई क्वेश्चन नंबर वन बताओ, पहले तो ये ज्योमेट्री राइज में डिपेंड करेगा, यस या नो में आंसर देना है केवल, करेगा। वेरी गुड, सही आंसर है, वन आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टू, टू भी करेगा। ओके थ्री करेगा क्या? नहीं करेगा, वेरी गुड। मतलब फर्स्ट फर्स्ट कर रहा है, सेकंड कर रहा है, थर्ड नहीं करेगा, फोर्थ देखो, फोर्थ आपको लग रहा है मतलब फोर्थ जो है वो करेगा, वेरी गुड। फिफ्थ करेगा, सिक्स, सो हो जाएगा बेटा, सिक्स हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है निखिल। सेवन, सेवन होगा? नहीं होगा, वेरी गुड। सेवन नहीं होगा बेटा, साइक्लोहेक्सीन है, कैसे हो जाएगा भाई, सात कार्बन तक तो वैसे ही नहीं होता है। आठ वाला होगा, नौ वाला, नाइन नहीं हो सकता, नाइन, टेंथ नहीं होगा, इलेवेंथ क्लास में बनवाया था, ट्वेल्थ क्लास में करवाया है। थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें दुर्बिल बेटा, तुम बताओ किसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो आप ही बता दो मुझे। सेकंड वाले को एक्सप्लेन करना है, तुम मुझे बताओ। अच्छा इसमें देखो मैं बता दूं, सेकंड वाले में क्या है रहा, मैं समझ में आ रहा है, तो मैंने गलती कर दी है, मतलब ये वाला बॉन्ड शो नहीं करेगा, लेकिन ये बॉन्ड तो शो करेगा ना, ये बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों ग्रुप सिमिलर हैं सेंड पर, बट ये वाला तो कर सकता है ना, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, आवाज कट रहा होगा, लेकिन बता रहा हूं मैं, ये बॉन्ड नहीं करेगा, ये करेगा, बाकी किसी में डाउट तो नहीं है ना उसके अलावा, जहां जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट हो पूछ लिया करो, है ना, जैसे इसने पूछ लिया है ऐसे। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर आ जाओ, थर्टींथ पे आ जाओ, अब थर्टींथ वाला करेगा क्या? यस, फोर्टींथ, फिफ्टींथ, सिक्सटींथ, सेवेंटीन, एटीन, दो मिनट रुकना बेटा, फिफ्थ में वो डिफरेंट, रुक जाना बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, फिफ्थ में जो डिफरेंट प्लेन में है तो भी शो करेगा क्या? फिफ्थ वाला क्वेश्चन कहाँ है बेटा? प्लेन अपोजिट से क्या मतलब है बेटा? प्लेन मैंने कब बताया था अपोजिट नहीं होना चाहिए? सोनाली, हाँ थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, तो आंसर बेटा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्या स्लो तेज। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ये अपोजिट प्लेन होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, और सेम प्लेन होने से क्या फर्क पड़ेगा? आवाज अटक रहा है रोहन, तो बेटा थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो सकता है, मैं कह भी रहा हूँ मौसम की वजह से थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो सकता है, बट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में सोनाली, ये बेटा सीएल सीएल अपोजिट प्लेन में तो क्या मतलब है इसका? मैंने तो इसके लिए समझाया था ना कि अपोजिट प्लेन में है कि सेम प्लेन में, किस में समझाया था मैंने आपको, बताओ मुझे सोनाली। वही सिंपल सा, सेम प्लेन अपोजिट प्लेन आपको किस में देखना है? एलियंस में देखना है और स्पाइरो में देखना है, ठीक है, हर जगह नहीं देखना है। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीन, सब लोग आंसर भेज दो तभी मैं टिक रख दूंगा। अच्छा,
17 में डाउट है, 16 और 17 में डाउट है, तुम 17 वाला कैसे हुआ? अच्छा ओफो फो 18 वाला बताओ पहले तो, 18 16 17 डाउट है बाद में बताएंगे। चलो आंसर बता रहा हूँ ना, अभी आंसर बता रहे तो फिर डाउट जिसका होगा डिस्कस कर लेंगे। ये नहीं है, पहले मैं आंसर बता दूं उसके बाद फिर डाउट वाला डिस्कस बाद में करेंगे मैटर। देखो वैसे आंसर नीचे लिखे थे इसमें, देखो ठीक है ना, 19th नहीं करना वाले है, ये कर लेगा, मैं टिक कर देता हूँ, फिर बाद में अपना अपना मैच कर लो। आंसर 21 हो गया, 22 करेगा, 23 भी करेगा, और 24 आपका नहीं करेगा। ये मैंने आंसर बता दिए हैं, अब जिसको जिस बच्चे को जिस क्वेश्चन में डाउट है ना वो मुझसे पूछ ले। अब मैं व्हाइट पेज निकाल लूं अपना। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो DPP 1 का है, डिस्कशन DPP 1। 2 मिनट लास्ट बेटा, तो लास्ट पेज नहीं होता ना सिद्धेश, है ना, वो तो इमेज था, शेयर किया हुआ था मेरा, तो मैं बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा, जो भी तुम पूछोगे जिसके बाद मैं सब बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 2, पहले मैं जो नंबर बोला उसमें बताते जाना, 1 2 3 4 5, 1 से लेके 10 तक बताओ, कोई डाउट हो तो किसी को, 1 से लेके 10 तक। सिद्धेश बेटा थोड़ा वेट कर लो ना, 2 मिनट है ना, 1 से लेके 10 तक में कोई डाउट नहीं है, 11 से लेके 15 तक कोई डाउट। अच्छा सिद्धेश को क्वेश्चन नंबर 8 में, तुमने लेक्चर देखा मेरा? अब तो सारे लेक्चर देख लिए होंगे ना सिद्धेश। अच्छा, उसके बाद भी 8 में डाउट है तुमको, है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, भाई तुमको क्या लगता है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? हाँ क्या दिक्कत है इसमें बताओ मुझे, पहले अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो साथ में। होगा तो मैंने कब का 8 नहीं होगा, डाउट क्या है इसमें? अरे ऐसी डाउट मन नहीं, ऐसी डाउट नहीं पूछनी है, मतलब पता भी है तब भी डाउट है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15th में कोई डाउट है? 16th में डाउट थी किसी को भी, किसी ने क्वेश्चन नंबर 16 पूछा था मुझसे। ये थोड़ा नेट प्रॉब्लम, थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है तो थोड़ा मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर 16 में जो जिसका भी डाउट है ना वो भी एकदम नंबर 1 का गधा है। भाई नंबर क्वेश्चन नंबर 16 तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा ना, करी तो समझाया था यार, मतलब एक प्लेन में नहीं है। मैं तो देखो ये दोनों अलग अलग है, कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इवन में आए ना, देखो ना डबल बॉन्ड इवन नंबर में है तो नहीं करेगा, खत्म कहानी, दिमाग ही नहीं लगाना उससे ज्यादा, तो मतलब इतना सिंपल और एक उस टाइप के क्वेश्चन कराने के बाद भी दुर्बिल तुम्हें ये डाउट आ रही है, तो सोचो तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे उसका मतलब। ऐसे देखो बता दूं मैं, ऐसे ओरल तुम लोग पढ़ोगे ना, जो लोग मतलब ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाने के बाद, वीडियो देखने के बाद, लिखने के बाद भी यदि ऐसे क्वेश्चंस में डाउट आते हैं ना, तो इसका मतलब समझो कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, ना ही आप समझने की कोशिश कर रहे हो वहां पे। केवल भाई ये सिंपल चीज नहीं है, ये सिंपल पहले था वो है आसान, तो उसका मतलब ये होता है कि थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ती है। अब बताओ इससे सिंपल लॉजिक क्या दे सकता हूँ कि मैं सीधा था इवन में हो तो नहीं करेगा। अब तुम धुरबिल धुरबिल कौन सा लॉजिक लगा रहे थे तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कर रहा था ये। धुरबिल तुम्हें मैंने अनम्यूट कर रखा है, थोड़ा बताओ ना तुम क्या लॉजिक लगा रहे थे उसके अंदर।
क्वेश्चन क्या नहीं समझ रहे थे बेटा, ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया था सीएसटी सीएसटी लिख के, बच्चों सब लोग बताओ क्या इस तरीके का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, बिल्कुल सेम टाइप का, बस बीआर की जगह पे सीएसटी लिखा था केवल। बेटा एक चीज सुनो, ऑर्गेनिक है, जरूरी नहीं कि जो सीएसटी लिख के दिया तो पेपर में सीएसटी लिख के आ सकता है, वहां कुछ भी लिख के आ सकता है भाई। भाई अपना थोड़ा सा दिमाग को खोलें, समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट था किसी को? 17 में डाउट था किसी को? क्या नहीं था? क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट किसको डाउट है? नाम क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो, है ना, ये नहीं कि हाँ, ये नहीं। 17th, वाह क्या बात है भाई। सिद्धेश तुम बताओ क्या डाउट है बेटा? यस सिद्धेश, हाँ बताओ बेटा क्या डाउट है, बोलो, मैं अनम्यूट कर रखा है आपको, बताओ 17 में क्या डाउट है? कंपाउंड हाँ सर, वो कंपाउंड नहीं समझा है मुझे। हाँ नहीं समझा? मतलब कैसे बेटा कंपाउंड नहीं समझा? सामने लिखा तो है कंपाउंड। सिद्धेश थोड़े फास्ट जा रहे थे ना, इसलिए वो मेरा रुक मतलब बाकी रह गया। अरे फास्ट की बात छोड़ो, देखो मैं सीधा सा कह रहा हूँ तुमसे, कह रहा हूँ क्या कि जो मैंने ये बताओ, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं करेगा 17th वाला, ये बता दो केवल बस, है ना। मैं फास्ट फास्ट जा रहा था, स्लो जा से छोड़ो तुम, ये मुझे बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा? तो हाँ करेगा फिर डाउट किस बात का है? सर, क्योंकि आपने ना वहां पर चार कंपाउंड दिए कार्बन के, मतलब हाँ चार कार्बन दिए हाँ इसलिए, और आपने इधर तीन लिखे ना, इसलिए वो डाउट। अरे भाई रुक जाओ भाई, ये करेगा हाँ, ये करेगा बेटा, हाँ करेगा। तो अब क्या दिक्कत है फिर? यही तो क्वेश्चन था, इसमें क्या नहीं समझे तुम? समझा एटीन भाई, सूर्य शिंदे और आदित्य, बेटा कभी अल्केन ज्योमेट्रिक लाइसेंस शो करता है क्या? अल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या सूर्य शिंदे और आदित्य? अरे सिमिट्रिकल गधे हो क्या आयुष? सिमिट्रिकल से क्या मतलब है? अबे अल्कीन में शो करता है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, के अल्कीन में करता है। अरे नहीं करेगा, लॉजिक तो लगा सही से, पहले लगा रहा सिमिट्रिकल है, इसके पास डबल बॉन्ड है क्या? जो कंडीशन सिखाई थी मैंने कोऑर्डिनेशन उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है कहीं पे? क्या कहीं पे दिख रहा है तुझको कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो फिर कैसे सिमिट्री बोल रहा है इसके अंदर? कुछ भी बोलोगे क्या उस जगह पे? पेपर ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी लॉजिक लगा के आंसर लिख कर चले आओ। श्रेयस और आयुष, श्रेयस और ये क्या नाम था आदित्य, दोनों समझ में आ गया ना बेटा? अल्केन डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्योंकि इसका रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड नहीं है। सोनाली बेटा वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19th, आदित्य को डाउट है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 19th, क्यों बच्चों क्लास में कराया था ना क्वेश्चन मैंने ये? सब बच्चे बोले क्लास में करवाया था, तुम क्लास में नहीं थे क्या?
बिल्कुल सेम क्वेश्चन था नहीं था, फिर अब डाउट क्या है बेटा फिर? अच्छा बताओ आदित्य, चलो बताओ ये मुझे, आदित्य को रुक जाओ, आदित्य को भी मैं हाँ भैया, आदित्य बताओ चलो भाई क्या डाउट है इस क्वेश्चन में। सर, उसमें एक कार्बन कार्बन पे दोनों दोनों तरफ से HH बॉन्ड है। हाँ तो एच एच बॉन्ड तो नहीं करेगा ना 19th वाला। मैंने आपने एस दिया था ना? एस दिया था, एस सी एस टू लिखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एच एच होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, हाँ सब समझा मैं समझा। तुम ये देख रहे हो, तुम इसको नहीं देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है। सर मैंने भी ये लिखा था लेकिन गलती से अरे चलो चलो कोई बात नहीं, चलो हाँ क्वेश्चन नंबर 20 20 20 डाउट है। 20 में क्या डाउट है भाई, 20 तो बहुत आसान है। देखो हाँ 20 मुझे पता है, श्रेयस कुलकर्णी भावेश तो डाउट होंगे दोनों। देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास, सुनना ध्यान से, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड किससे बना हुआ है, ऑक्सीजन से। अच्छा 21 से 24 बाकी हैं, ठीक है बस सब बता देता हूँ। और ये बॉन्ड यहाँ पहुंचे तो इस कार्बन पे दोनों बॉन्ड अलग अलग हैं कि नहीं है। श्रेयस कुलकर्णी, इस इसके पास दोनों बॉन्ड अलग अलग हैं या नहीं है? है। इसके पास एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, बॉन्ड अलग है कि नहीं है? तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना, क्या दिक्कत है इसमें, ट्रांस हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट आ गए। देखो यहाँ पे हो, इसके अपोजिट में वो आ गया, यहाँ बॉन्ड है यहाँ बॉन्ड है तो ट्रांस बन गया एक, इसमें डाउट क्या थी? आया समझ में? हाँ ठीक है। आप एक क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट थी क्या? हाँ ट्वेंटी वन स्ट्रक्चर तो कोई ऐसे था। ये था, आप देखो मैं बता दूं, देखो क्लियरली इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो रोटेशन होगा नहीं क्योंकि हो नहीं सकता, आपको सिखाया था एटलीस्ट 7 कार्बन चाहिए होते हैं, लेकिन इस बॉन्ड के अबाउट तो हो सकता है ना, रिंग तो रोटेट कर सकती है ना, ऐसा क्लास में क्वेश्चन बताया था मैंने आप सभी लोगों को, तो ये करेगा। 22 जो है 22 भी करेगा, 22 नहीं करेगा ना सो। अरे श्रेयस मतलब सेम क्वेश्चन है तब भी नहीं बत कर पा रहे हो, मतलब क्या कर लोगे तुम लोग बताओ भाई, क्यों नहीं करेगा भाई? 6 मेंबर टीम इसलिए नहीं करेगा, अच्छा क्या बात है। अच्छा ये नहीं करेगा, ये तो कर सकता ना रिंग की आउट तो कर सकता ना ये बॉन्ड, तो ये नहीं करेगा, ये बॉन्ड तो कर सकता है ना। कल ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने कि नहीं कराया था बेटा? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना, नहीं करवाया था कल ऐसा क्वेश्चन मैंने। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, कल का लेक्चर दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तुम लोग क्या है ना, क्या बताए, तुम लोग चाहते हो कि एक नाम से ही पढ़ाऊँ मैं, है ना? कल था लेक्चर नंबर 13 पढ़ाया था कल मैंने, और तुम्हें देखो स्क्रीन के ऊपर देखो थोड़ा सा एक ग्रीन वाला क्वेश्चन देखो, ग्रीन वाला जो कराया था मैंने, सेम टाइप का उसी तरीके का क्वेश्चन है कि नहीं है? आदित्य भावेश और श्रेयस कुलकर्णी, समझाया था ना ये डबल बॉन्ड नहीं करेगा लेकिन ये बॉन्ड करेगा। भावेश आदित्य आदित्य कुड़ने, क्यों बेटा करवाया कि नहीं करवाया है? तुम
तो फिर कहाँ सोए हुए थे तुम अभी तक? कल तुम ध्यान से, मतलब तुम लोग क्या चाहते हो सेम क्वेश्चन करा के दिखाओ सर यार, कंसेप्ट से कहिएगा। तुम्हें बहुत से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, इतने वैसे जरूरत नहीं करवाने की, मैं इसलिए करवा तो ठीक है। तो मतलब हर क्वेश्चन की तुम चाहते हो एक जैसा उसे करा के दिखाओ, ये करा तो दिया था मैंने उस तरीके क्वेश्चन एक। तो ऐसे मतलब पहले तो कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद ब्लेमिंग कर सर करवाया नहीं करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 हो गया, एंड 23 की बात करूं मैं। 23 किसको डाउट था? ये तो करेगा, इसमें तो कोई किसी को डाउट ही नहीं है 23 वाला। तो कोई बात नहीं सीरियस, कोई बात नहीं बेटा भावेश, चलो चलो ध्यान रखा करो ना रे बेटा, लेकिन है ना। ये तो करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हाँ आप 24 सुन लो ध्यान से, 24 के लिए किसी ने एक क्वेश्चन भी था और मैं उसको समझाना चाहता हूँ। हाँ किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था एक बार कि सर ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करता है कि नहीं करता है, किसी ने मुझसे एक बार पूछा था, मुझे अब याद नहीं किसने पूछा था, बट किसी ने पूछा था मुझसे सर अल्काइन में क्या होगा। अल्कीन में तो आपने बता दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो मैं उसको कहा था रुक जाओ बताएंगे एक क्वेश्चन करवाएंगे, तो वो क्वेश्चन यही था। आप मुझे चीज बताओ, जो चीज लीनियर है उसमें क्या रोटेशन करोगे तो कोई फर्क आएगा क्या? आप देखो ना एसपी हाइब्रिड केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा बेटा आपने, एसपी हाइब्रिड जो कार्बन होते हैं वो लीनियर होते हैं, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं। एस हाँ अभी तक वो होगा बेटा होगा। एसपी हाइब्रिड कार्बन क्या होता है? लीनियर होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जैसे बनेगा, मतलब ये कार्बन ये है तो दूसरा कार्बन ये है और ये इसका कार्बन है, इससे 3 H जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से कार्बन हो गया, इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे 3 H जुड़े हुए हैं, सुनना ध्यान से। ये कार्बन लीनियर है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लीनियर होता है हमेशा, और ये भी लीनियर हो गया। अब आप इसको कितना भी रोटेट करो आप, या इसको रोटेट करो आप, तो क्या कोई नया स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? नहीं करेगा ना। आप बताओ एक्सरसाइज DPP-1 हो गई सबसे, लेकिन थोड़ा ध्यान से करो यार आप लोग, है ना, मतलब ऐसे तुम लोग करते हो ना। अब आ जाओ DPP-2 पर आ जाओ। ठीक है तो DPP-2 पर आ जाओ, DPP-2 निकाल लेते पहले अपन लोग। चलो मैं आंसर वाली ही निकाल देता हूँ। चलो भाई DPP-2 सामने है आप लोगों के स्क्रीन के, हाँ अब यहाँ पे बेटा डिफाइन करना है कौन सीस है कौन ट्रांस है। ओके बताओ, पहला सीस है ट्रांस है? नोटा, ये नोटा क्या है भैया? प्रथमेश ना, ये सिस है ना ये ट्रांस है, नन होगा पहला आंसर।
ठीक है, नन ऑफ दीज होगा क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली शो नहीं करेगा, तो कहां से सिस और ट्रांस हो जाएगा? चलो मतलब ये हो जाएगा, नन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 2 मिनट जाओ, थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँ उसको। ठीक है, आंसर आ जाएगा नन। सेकंड वाला, सेकंड सिस होगा। आप लोगों ने एक्चुअली देखो, यदि पीडीएफ देख रहे होगे तो जूम करके देखा नहीं तुमने। देखो जूम करोगे, देखो जूम करने पर देखो दोनों ही अलग प्लेन है ना, देखो ध्यान से जूम करने पे देखो दोनों अलग प्लेन दिखाई दे रहे कि नहीं दे? हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा ये। दो मिनट बुझाओ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, सेस या ट्रांस या नन? क्या बात है, क्या बात है, श्रीआयु को, श्रीआयु हो गया, प्रथमेश भाई, ये जो आंसर है ना, ये जो 3 नंबर का है, ट्रांस होगा ये। ये ट्रांस है भाई, समझ में आया ना, ट्रांस होगा। बताओ किस किस को डाउट है, तो डाउट बाद में देख लेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर लिखते चले जाओ, बाद में डिस्कस कर लेंगे सब, है ना, एक साथ जैसे अभी अभी किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4, नन, 5, 9, 6, 6, ये ट्रांस, ये ट्रांस, ये सेस। नोट कर दे जाना भाई साथ में, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से नोट कर लीजिए आप लोग, मैं आंसर लिखते चला जा रहा हूँ केवल, है ना। ये इसमें तो बहुत लोगों को डाउट आने वाली है, मुझे समझ में आ रहा है। और सोलह तो ना सीएस होगा ना ट्रांस होगा, 17वां आपका, नोट करते जाना सब लोग, आप लोग है ना, और बाद में उससे डाउट पूछ लेना। हाँ तो वैसे आंसर नीचे मेंशन है इसमें।
मैं तो आंसर आपको इसलिए नहीं भेजे थे क्योंकि कुछ आंसर्स में गलत लिखे हुए हैं, ये जो ब्लैक में आंसर लिखे ना गलत लिखे हुए हैं कुछ, इसलिए मैंने यही सॉल्व करवाया आपको सामने। नोट हो गया सभी क्वेश्चन, नोट हो गया ना? सभी क्वेश्चन नोट हो गए बेटा? हाँ ओके, अब आ जाओ, किसको किस क्वेश्चन में डाउट है एक एक करके, ठीक है ना? एक एक करके, एक एक, थोड़ा पेशेंस पेशेंस भाई पेशेंस। किसी का वीडियो ओपन है आई थिंक, है ना? क्वेश्चन लिखने बाकी हैं, क्वेश्चन क्यों लिखना है भाई? क्वेश्चन तो मैंने आपको भेज दिए थे पीडीएफ बना के ग्रुप में, आंसर लिखने होते, क्वेश्चन थोड़ी लिखने होते बेटा। भावेश डीपीपी, अरे डीपीपी तो मैंने भेजी थी ना ग्रुप पे। सिद्धेश आंसर ही तो लिखोगे भाई उसके, तुमने अभी तक आंसर कॉपी नहीं कर पाए क्या यार? ये बेकार लगता है मुझे यार, तो कर लिए कि नहीं किए? क्या कर रहे थे यार फिर? यार तब लेट कर रहे हो, कुछ नहीं करो, करो जल्दी से कॉपी करो, क्या क्या करता रहता है यार। सब लोग कॉपी कर ले पहले आंसर इसके, बाद में डाउट पूछना। ये नीचे के आंसर मत देखना, और ये गलत है, जो रेड लिखे हैं वो सही है केवल। हो गया सभी के? हाँ थोड़ा ऊपर लो भाई, ओम बानी लिखो बेटा इटली से। यार सिस पे सी लिखते जाओ, ट्रांस पे टी लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ, जल्दी हो जाएगा। ये सिद्धेश जी का हुआ कि नहीं हुआ? सिद्धेश चवन, अरे ओके देखो अब यहां पे आप डिस्कस करते हैं डाउट, डीपीपी टू की डाउट, DPT2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट आ गई सबसे पहले तो, और जो लोग डाउट पूछे थोड़ा अपना लॉजिक भी लिख के थे, क्यों नहीं होगा उनके हिसाब से, होगा नहीं होगा वो अपना लॉजिक लिख के थे। हाँ भाई भावेश इसका बहुत बड़ा डाउट है, सिस और ट्रांस सिर्फ डबल बॉन्ड में ही होता है क्या? अच्छा तो भावेश आप मुझे पहले ही बताओ कि ऐसा कुछ कंडीशन लिख के दिया था मैंने क्या कि सिस और ट्रांस केवल डबल बॉन्ड में होता है क्या? भावेश ठीक है, इतना तो पता है तो ठीक है, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में तुम्हारा डाउट डिस्कस करूंगा मैं। हाँ भाई ओम मानी बेटा, आप बताओ पहले इसके बारे में कि ये करेगा कि नहीं करेगा। या सिस होगा ट्रांस होगा, क्या है इसमें आंसर? नन है कि ओम मानी?
हाँ मतलब हाँ का मतलब क्या है, करेगा बेटा कि नहीं करेगा, मतलब सिस बनाएगा ट्रांस बनाएगा कि नन। सिस ठीक है, वैसे देखा जाए ना सिस नहीं बेटा ट्रांस होगा ये, ठीक है ना, ये क्या होगा ट्रांस होगा ये। क्यों होगा सुन लो ध्यान से, अब ये जो सिंगल लाइन इसका मतलब क्या होता है, सी एस थ्री तो होता है ना सिंगल लाइन का मतलब, यदि इसको मैं प्रॉपरली बनाऊं तो इसको ऐसे बना सकता हूं ना, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से जुड़ा हुआ है सी एल, से जुड़ा हुआ है सी एस थ्री, इससे जुड़ा हुआ है कौन सी एस थ्री, से जुड़ा हुआ है सी टू एच फाइव, यही मतलब है ना, तो ये तो ट्रांस है ना। चलो भाई नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा 5 में लिखा मैंने नन क्यों लिखा, क्वेश्चन नंबर 5th देख लो भाई। क्या भावेश आप मुझे बताओगे क्या ज्योमेट्रिक लाइन्स में शो करेगा ये कंपाउंड? जब नहीं करेगा तो क्या ननी तो लिखोगे, सिस्टम लिख दोगे क्या फिर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भाई क्या डाउट है आपको भाई? ये 1, 2, 3, 4 कार्बन यहाँ पे हैं और 4 कार्बन हैं यहाँ पर, तो टोटल होगा कितने 8, और ये है डबल बॉन्ड और ये बैक बॉन्ड, फ्लिप हो गया पूरा बॉन्ड, ये क्या हो गया फ्लिप हो गया, ये मतलब पीछे से गया हुआ है ये बॉन्ड। तो भाई आपको बताया था ना 8 कार्बन की एल्किन तो शो कर, साइक्लो एल्किन तो ज्योमेट्रिक लाइन्स में शो करती है ना सिद्धेश, और क्लास में बताया क्वेश्चन है यार ये, जो क्वेश्चन नंबर जो स्ट्रक्चर नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर स्ट्रक्चर नंबर जो 8 है ना, दो एक ही है बेटा, ट्रांस क्यों है तुम, मुझे इतना समझ में आ रहा है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बोल रहा हूं कि आप ध्यान से सुनते नहीं है क्लास में।
हेलो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा, मैं पहले इसको समझा रहा था। सिद्धेश बेटा, आप, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है तब कि झूठ बोल रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल, मैं आप ये चीज कह रहा हूँ कि आप किसी भी चीज को क्लियरली नहीं समझते हो। आप उस चीज को रटने की कोशिश करते हो, इस वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, या इसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आप थोड़ा सी और ज्यादा ओवर स्मार्ट हो, या फिर ज्यादा ही एक होता ना कि बहुत कुछ हाथ सर में आता है, ये दिक्कत है। वरना इतने हर टॉपिक के दो या तीन एग्जाम्पल से ज्यादा कोई नहीं करवाता है। मैं आपको अलग से DPP और MS लगवा रहा हूँ, तो सोचो ना किस पर्पज से लगवा रहा हूँगा। समझ में बेटा, थोड़ा थोड़ा क्लियरली और जो ध्यान से पढ़ो ना, मतलब ओवर, मतलब ज्यादा वो मत बनो, है ना। थोड़ा सा ध्यान से, नो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। देखो, तो डाउट पूछना अच्छी बात है, मना नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी डाउट जो क्लास में करवाई हो वही पूछोगे तो अच्छा नहीं लगता ना फिर। हाँ, तो फिर आपको बताना चाहिए। आप न्यू स्टूडेंट हो तो बेटा, और आपको बेटा न्यू स्टूडेंट हो तो पहले तो आप आइसोमर के, देखो मैंने आपको उस दिन भी बोला, शायद आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया था आई थिंक सिद्धेश, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट फर्स्ट था, वहां से आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चले जाओ, जो डाउट है पूछ लो। बेटा आप देखो, सब स्टूडेंट नए ही हैं, कोई पुराना नहीं है, और ये चैप्टर जो, अच्छा मुझे जितने पढ़ रहे बच्चे सभी मुझे चीज बताओ, जो चैप्टर चल रहा है इससे रिलेटेड कोई चीज मैंने पहले अप्लाई किया अभी तक? नहीं पढ़ाई ना, सबके लिए बेटा नया चैप्टर है ये, सब नए बच्चे हो यहाँ पे, कोई पुराना नहीं है, सब नए बच्चे हैं, सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। मैं तभी जब मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ उस टाइम 10 बार पूछता हूँ समझ में आया या नहीं आया। तो आप या तो वहां पे थोड़ा कॉपरेट करो हमें, है ना। डाउट डिस्कशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जो टाइम लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए बेसिकली। अरे आपको समझा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा और आप थोड़ा ध्यान से सुने, नए बच्चे हो अच्छी बात है, थोड़ा सा बेटा ध्यान से सुनो और, है ना। और कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो, मतलब ज्यादा ही दिक्कत आ रही है सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो फिर अलग चीज है फिर वो। हाँ, और ये जो मिस्टर रजत जो है, रजत बढ़ाने, जब मैंने व्हाट्सएप, मैंने अभी चैट बॉक्स में मैसेज किया था कि वेट 2 मिनट आई विल अनम्यूट, तो आप ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो पढ़ना नहीं आता है क्या? रजत, तो मैं मैसेज नहीं आया? अच्छा, मैंने एवरीवन को मैसेज भेजा, तुम्हारे पास मैसेज नहीं पहुंचा? और यार इस तरीके से ना इरिटेट मत किया करो मुझे भी, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में तो समझ में आ गया होगा बेटा। देखो, ट्रांस क्यों है, क्योंकि इस एच की डायरेक्शन ना अपोजिट डायरेक्शन में है। एच देखो, ये ऊपर जा रहा है और एच नीचे जा रहा है, तो ऐसे क्या होगा, ये ट्रांस होगा। ये सिद्धेश का डाउट था, सिद्धेश को समझ में आ गया होगा कि ट्रांस क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। और एक चीज और समझाई थी, जिस जहाँ पे उस जिस स्ट्रक्चर का कॉर्नर पड़ता है, इसका कॉर्नर ये पड़ गया तो ये हेड, इसका हेड की डायरेक्शन में ही एच जाता है हमेशा, याद रखना। इसका हेड इधर है तो इसका एच इधर गया होगा, इसका हेड इधर है तो इसका एच इधर गया होगा, इसका हेड ऊपर है तो ऊपर गया होगा, नीचे वाला नीचे गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, अच्छा 12th, क्वेश्चन नंबर 12th में मैं लिखा है कि नन ऑफ दीज लिखा है क्वेश्चन नंबर 12th में। बेटा इसलिए होगा क्योंकि दोनों साइड सेम ग्रुप है। आप यहाँ पे सिस और ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि यहाँ CH2, 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 CH2, इसलिए डिसाइड। और सिमिलर एक देख लो ना, और एक चीज बता देता हूँ मैं कैसे, इस रिंग में रिंग आई है ना डबल बॉन्ड की, तो एक काम करो ना, इधर
इसको आधा कर लो तो देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, तो ये इक्वल ग्रुप आ गए सेम साइड में ना, इसलिए क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 13th, 14th, 15th, 15 डाउट है, जीआई शो करेगा ना सेकेंड थर्ड कंडीशन से, रुक जाओ जीआई शो करेगा तो मैं कह तो रहा हूँ 15th वाला से शो होता ना। अच्छा जीआई शो नहीं करेगा, अच्छा 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 तुम्हारे डाउट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th में बेटा ये बनाया है, सॉरी ये है, अब देखो ध्यान सब लोग देखना, ये दो बॉन्ड देखो रिंग आ गई डबल बॉन्ड आ गई, ये तो नहीं करेगा, रिंग है डबल बॉन्ड है तो नहीं करेगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड तो करेगा ना, रिंग के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है लेकिन इस बॉन्ड के साइक्लिक के रिस्पेक्ट में तो करेगा ना, साइक्लो एल्केन है ना ये तो, इसलिए और ये दोनों सेम प्लेन में सीएससी तो क्या हो जाएगा, सीएस हो जाएगा ना ये। चलो ठीक है नेक्स्ट 16, 17, 18, 19, 18 18 मैंने आपको नन लिखवाया है, आप बताओ मुझे कहां से आपको दिख रहा है कि करेगा ये बताओ, ये दो लोन पेयर है इसके ऊपर, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा क्या ये, या फिर आप ही लोग बताओ क्या मैंने ऐसी कोई कंडीशन बताई थी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, मैंने आपको कंडीशन क्या लिखवाई थी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, इसलिए ये जी आई शो नहीं करेगा, और तो ऑब्वियस बात है सिक्स चांस दूर दूर की बात हो गई। हाँ क्वेश्चन नंबर 19, 20 क्वेश्चन नंबर 16 नन कैसे हो गया, 16 बेटा सिस धुरबिल बच्चों वाले डाउट पूछ रहे हो तुम मुझसे, छोटी सी डाउट है क्या आप मुझे जाना ध्यान से, पहले बताओ ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा धुरबिल, धुरबिल ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं, तो वही तो तुम्हें डाउट है, अरे वाह यार चारों ग्रुप अलग अलग हैं, बिल्कुल करेगा ना जी आई तो शो, भाई चारों ग्रुप अलग अलग हैं, अब चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो ना सिस होगा ना ट्रांस होगा, इस वजह से नन हो गया ये। ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 20, भाई 20 तो उसको डाउट होगा जिसने कंफर्मेशनल आइसोमर नहीं पढ़ा होगा, ध्यान से जिसने कंफर्मर आइसोमर पढ़ा होगा उसको दिक्कत बिल्कुल नहीं आया होगा, याद है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ मिस्टर भावेश, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो ध्यान से, वन टू पोजीशन है और वन टू पोजीशन दोनों इक्वेटोरियल पे हैं, क्या होता है ट्रांस होगा कि नहीं होगा, देखो बच्चों के आंसर भी आ गए भावेश, भावेश समझ में आया ना, कंपाउंड का डायग्राम ड्रॉ करिए सर, तुमने कन्फर्म आइसोमर पढ़ा है सिद्धेश, तुमने नए आए हो तो तुमने हाँ पढ़ा है, वाह मैंने कैसा पढ़ा है भाई, अब तुम्हें स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाना पड़े मुझे, तो इससे अंदाजा यार तुम
ये लिखा है, ये एक इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, 6 कार्बन बोथ आर इक्वेटोरियल, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा ना, क्लास में कराया मैंने, सबको समझ में आ गया ट्रांस होगा कि नहीं होगा। शायद तुमने सिद्धेश क्लास ज्वाइन कर ली थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने वो पढ़ाया था आप लोगों को, कन्फर्म और आइसोमर, तब भी तुम स्ट्रक्चर बनवा रहे हो यार, बड़ा अजीब लगा मुझे। 21 21 आ गया, और की डाउट है, डायग्राम बाकी थी सर। अच्छा, 21 21 में किसी को कोई डाउट? हाँ, मतलब 1 4 इक्वेटोरियल पे है। आ तो कुछ वैसे ही नहीं पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर डांट देते हैं, नहीं पूछेंगे। ये है, जिसको 20 नहीं आया होगा उसको 21 भी नहीं आया होगा बेटा। 1 4 है और बोथ इक्वेटोरियल है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ट्रांस बनेगा ये भी। भाई डीपीपी नंबर 2 भी सॉल्व हो गई, 2 डीपीपी भेजी थी ना मैंने, तीन भेजी थी, एक और है। अरे वाह यार, तब तो भाई आज लग रहा है तुम लोग बहुत स्लो पर्सन हो तुम लोग यार, है ना। नहीं, 2 ही भेजी होंगी यार, मतलब अच्छा कन्फर्मर कहाँ, अरे वाह कन्फर्मर आइसोमर का भेजा था मैंने, वेरी गुड वेरी गुड। पहले का आंसर लिख लो सब लोग। हाँ वो DPP 1 थी एक्चुअली। अरे DPP 3 डिफिकल्ट थी, मैं मानता हूँ यार DPP 3 जो थी वो इजी थी। चलो अब एक काम करते हैं ना, DPP 3 को डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग, है ना, मतलब DPP 1 जो है कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लो भाई यही थी DPP 1 आप लोगों के लिए, है ना बच्चों। चलो मैं अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्लास के अंदर, वैसे देखा जाए तुम लोगों ने किया होगा तो पता चल गया होगा, ऑलमोस्ट तो कर किए कराई होंगे। चलो भाई अब डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट का आंसर सी आ रहा है बेटा, फर्स्ट का आंसर सी है, गॉच फॉर्म 3-फ्लोरो-ब्यूटेन-2-ऑल, बताया था एच बॉन्डिंग होती है, तो ऐसे गॉच फॉर्म आर मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी। पहले क्या आंसर लिख दूं क्या मैं? एक काम करता हूं, पहले आंसर लिख लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, आंसर की DPP 1, ठीक है ना। चलो भाई पार्ट ए की बात, लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, ठीक है, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ
फिफ्थ का सी, सिक्स का डी, सेवेंथ का बी, एट का सी, नाइन्थ का सी, नौ ही क्वेश्चन थे। तो अब देख लो भाई किसको किस क्वेश्चन में डाउट है बताओ। चलो भाई ये तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव और टू में, अच्छा टू और फाइव, टू फाइव टू फाइव, क्वेश्चन नंबर टू और फाइव में दिक्कत है। अब वो डीबीपी निकाल लेते हम लोग। थ्री मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड आर हाईली रिलेटिवली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द हाई डिग्री ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। तो आंसर क्या डाउट है बेटा इसमें प्रणव? आंसर डी आ जाएगा भाई। मैंने आपको क्लास में करवाया था क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू वाला प्रणव मैंने क्लास में करवाया था ना कि भाई जो ट्राई मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसमें सभी टाइप के स्ट्रेन लगते हैं, टॉर्सनल भी है, एंगल भी है और स्टेरिक स्ट्रेन भी है। क्या डाउट है इसमें? इसका आंसर डी आएगा बेटा। सेकंड का आंसर, रुक जाओ, सेकंड का आंसर बी आएगा, सॉरी बी आएगा, एंगल स्ट्रेन होता है इसके अंदर, टॉर्सनल नहीं, डी लिखो, करेक्शन करो उस क्वेश्चन में, डी आंसर आएगा इसका, डी डी आंसर आएगा इसका, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, डी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या डाउट है? क्या कह रहा है वो कि ये कंपाउंड कौन सा है? अरे थ्री तो बहुत आसान है, आप एज्यूम करो ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर थ्री में ये स्ट्रक्चर जो इसमें कितने कार्बन है, बना के दिखाता हूँ, जब कॉपी पे करता हूँ मैं ना नोटबुक में, मतलब इस तरीके से यहाँ इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे लेकिन मुझे, क्वेश्चन तो मुझे पता ही नहीं। चलो इसी में सॉल्व कर देता हूँ मैं, तुम्हारे इसी के अंदर सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग लिख लेना। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन तो बेटा ये है, एक दो और एक पीछे तीन होंगे ना, यहाँ तीन कार्बन है ठीक है, जबकि यहाँ पे एक दो तीन पीछे चार कार्बन है। ये तीन कार्बन का अल्केन है या चार कार्बन का अल्केन है, तो इनमें क्या रिलेशनशिप होगा भाई? सीरियस एंड प्रणव, समझ में आ गया ना? ये होमोलोगस सीरीज होगी ना भाई, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इसमें CH2 का डिफरेंस है ना, दुर्बल को आंसर सी लग रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर बना रहा है। अबे दुर्बिल गधे हो क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल होता है, अलग नहीं हो जाता है। आज दुर्बिल को गधे वाली बातें कर रहा है बिल्कुल एकदम, मतलब सब उल्टा सीधा। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव, फाइव। अब देखो यहाँ ध्यान से काउंट करोगे तो यहाँ पे कार्बन, पहले तो देखो ध्यान से, एक कार्बन देखो ना फ्रंट पे कितने कार्बन, फ्रंट पे एक कार्बन है, क्यों सेंटर वाला, बिल्कुल ध्यान समझना बेटा, एक उसको मैंने ये दिया तो एक बिल्कुल जस्ट पीछे होगा, इसके दो हो गए, तो इसका देखो मैं स्ट्रक्चर यही बना देता हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनेगा, रुक जाना ध्यान से थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, एक कार्बन फ्रंट पे था कौन सा, CH3, उसके बैक में एक कार्बन था उससे तीन CH3 जुड़े थे, और ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, एक कार्बन फ्रंट पे है
उससे सीएस3 जुड़ा हुआ है, एक कार्बन फ्रंट पे है, इससे सीएस3 जुड़ा हुआ है और दो एच जुड़े हुए हैं। उसके बैक में भी एक कार्बन है जिसमें दो सीएस3 अटैच हैं और एक एच अटैच है। एक दो तीन टोटल पांच कार्बन इसमें हैं और टोटल पांच कार्बन इसमें हैं। अब बताओ दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे बेटा? ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने आपके सामने, आप ही लोग बता दो क्या होगा बेटा, कौन सा आइसोमर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होगा कि नहीं होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा? ये सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बताओ मुझे बेटा, सभी बच्चों को ये पॉइंट्स क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स में किस किस को डाउट है? नहीं है। सेवेंथ, एट, और 9। एट में डाउट है भावेश को। देखो भावेश, करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है। स्क्रिप्ट एंड स्टेगर्ड इथेन गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड रिएक्शन विद द क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ द लाइट। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मतलब ये गलत है, सेम प्रोडक्ट बनता है हमेशा, आवाज का पता नहीं है, सेम प्रोडक्ट बनता है बेटा, है ना? द कन्फर्मेशनल आइसोमर कैन बी आइसोलेट एट द रूम टेम्परेचर। बिल्कुल गलत बात ही मैंने आपको नोट में लिखवाई थी कि कन्फर्मर आइसोमर को कैन नॉट बी आइसोलेट एट द रूम टेम्परेचर, ऐसा मैंने लिखवाया था नोट्स के अंदर। बच्चों लिखवाया था या नहीं कि द कन्फर्मर आइसोमर कैन नॉट बी आइसोलेट एट द रूम टेम्परेचर? हाँ, अब टॉर्सनल स्ट्रेन इन द इथेन इज मिनिमम एट द डाईहेड्रल एंगल 60, 180, 300। अब टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में पता है आपको? टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो रिपल्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या? टॉर्सनल स्ट्रेन। बेटा यदि 60 डिग्री होगा तो क्या टॉर्सनल स्ट्रेन लगेगा कभी? नहीं लगेगा ना, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और लास्ट वाले की बात करूंगा कि स्टेरिक स्ट्रेन इज मिनिमम इन द स्टेगर्ड गॉच फॉर्म इन द एन ब्यूटेन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। स्टेरिक तो होता है ना, आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 का क्वेश्चन देखोगे तो 8 का आंसर सी आ जाएगा। ओके गॉट इट। 9 में दिक्कत हो सकती है बच्चों को, बहुत से बच्चों को दिक्कत होगी कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो बोलो थोड़ा क्या है, मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम कर देता हूं, है ना, और ध्यान से समझो। जो अब तो जूम हो गया ना, काफी जूम हो गया ना, अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, है ना, क्योंकि दिक्कत आएगी वरना। एक नंबर वन मैंने देखना ध्यान से, नंबर वन मैंने इसको दिया तो 2 पीछे होगा और 2 के बगल में कौन होगा? 3 होगा, इसके पीछे 4 चला गया, 5 फ्रंट पे होगा और 6 से होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? आदित्य इतना आ गया तुमको समझ में? मतलब देखो मैं बता स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, कहने का मतलब ऐसा है ना कि ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। देखो ध्यान से, ये नंबर 5 था, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4। देखो 1 2 से अटैच है, 2 3 से अटैच है, 3 से 4 अटैच है, 4 से 5 अटैच है, 5 से 6 अटैच है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, इसके बाद देखना। अब ब्लू वाला देखो ध्यान से, ये 1 है, ये 2,
ये थ्री फोर बैक में होगा, फाइव ए है और वन सिक्स जो है ना वो वन के बैक में होगा, मतलब ये वन और टू थ्री लाइन से जुड़े हुए हैं, वन टू थ्री फोर बैक में, फाइव ए और सिक्स ये। अब ध्यान से देखो तो देखो, रुक जाना थोड़ा सा, एक काम करता हूँ मैं, वन इसको देता हूँ, वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स। अब देखो वन और फाइव अटैच है ना, देखो ध्यान से, ये अटैच है ना आपस में, किससे अटैच है, एक सी एस टू से अटैच है, देखो बीच में सी एस टू बन रहा होगा ना यहाँ पे, एक सी एस टू से अटैच कर दो इसको, तो आंसर देखो सी आ जाएगा कि नहीं आएगा। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट बी, पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर वन, बताओ भाई पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर वन में डाउट है किसी को? ड्रॉ करोगे क्या आप? नहीं, यदि तुम्हें डाउट हो तो जरूर ड्रॉ कर देंगे यार, ऐसी कौन सी बात है। एक काम, 2 मिनट रुक जाओ, मैं सब ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। चलो अब एक काम करते हैं, अपन लोग इसको हटा देते हैं और अपन लोग व्हाइट बोर्ड निकालते हैं डिस्कस करने के लिए, पार्ट बी। ठीक है ना, अब पार्ट बी डिस्कस करते हैं, तो उसके सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर वन में वो देखो ना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर वन में वो कह रहा है, वन सभी में ड्रॉ कर देता हूँ, सब लोग चेक कर लें अपना अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट क्या, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक ना, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन मतलब पहले तो ये है, इसका सबसे स्टेबल केस बनाना है हमें, कौन सा होगा, एंटी फॉर्म होता सबसे ज्यादा स्टेबल। तो आपने क्या किया, आपने ये बनाया और सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब इनके बीच में देखना था मुझे और, है ना। इससे एक एक एच जुड़ा हुआ है, दो सी एस जुड़े हुए हैं, हाँ एंटी फॉर्म बना दो इसका, मतलब सिंपल सा इसका जो एंटी फॉर्म बनेगा। तो एंटी फॉर्म कैसे बनेगा भाई, ये आपका सपोज सी एस थ्री है तो ये इसका सी एस थ्री होगा, ये इसका सी एस थ्री है तो ये इसका सी एस थ्री होगा, ये एच होगा तो ये एच होगा, ये पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले का सेकंड क्या कह रहा है भाई, वो द मोस्ट स्टेबल आइसोमर ऑफ द 2-मिथाइल प्रोपेन मतलब आइसो ब्यूटेन का। उसने अब पूछ लिया किसका, इसके बारे में पूछ लिया, 2-मिथाइल प्रोपेन। इसका पूछ लिया उसने, तो इस वाले केस में स्टेबल, मोस्ट स्टेबल ना, यहां लिख देता हूं मैं, ये मोस्ट स्टेबल वाला केस है आपका, ये इसका भी इन्होंने मोस्ट स्टेबल केस पूछा है। तो अभी इस बात है एंटी फॉर्म होगी, लेकिन अब एंटी फॉर्म कैसे बनाओगे ये जरूरी है। तो एक काम करते हैं, देखो ऐसे ये हो गया, ये यहाँ पे इन दोनों के बीच का निकाल लो आप, तो इससे तीन एच जुड़े हुए हैं, तो आपने तीन एच तो दिखा दिए, ये एच एच और एच, ठीक है, मतलब यदि आप तीनों एच यहाँ पे दिखा दिए तो अब बचता क्या क्या है तुम्हारा, देखो ध्यान से, पीछे वाले पे दो सी एस थ्री हैं तो कहीं पर भी लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर वन सबका सही है ना, सब लोगों ने किया होगा तो सबका सही आया आंसर।
किसी का रॉन्ग तो नहीं आया? जिसको नोट करना है वो नोट कर ले जल्दी से, बट थोड़ा फास्ट नोट करें। क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट, एनटीओ गॉज फॉर्म बनानी है, वन ब्रोमो टू क्लोरो इथेन, वन क्लोरो टू ब्रोमो, मतलब ऐसे कुछ ऐसे ही बनेगा ये। एनटीओ गॉज फॉर्म बना दो इसकी, इसका बी आर यहाँ पे तो इसका सी एल यहाँ पे होगा, एच 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 और एच, ये कौन सी फॉर्म हो गई आपकी? एन टी हो गई। गॉज कुछ ऐसी बना देना, हो गया क्वेश्चन नंबर टू सही है। बी पार्ट इसका देखो, थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यदि आपको याद हो तो इसमें कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी बताओ, गॉज फॉर्म स्टेबल होगी ना इसमें, याद है एक ग्रुप OH आ गया दूसरा ग्रुप सीटल OH आ गया, तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा, गॉज इफेक्ट लग जाएगा। ये एंटी फॉर्म है, ये गॉज फॉर्म है इसकी। सर वो लिखे हैं लिंकेज को कार्बन में, तो न्यून प्रोजेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बनाना, लिखने लिंक ना हो कार्बन में, क्यों वो तो आ जाएगा बेटा, आ जाएगा सर, परेशान मत हो भी। किसको मतलब ये बनाने में जो बना रहा हूँ उसमें दिक्कत आ रहा है क्या? न्यून प्रोजेक्शन वाला ऐसा, अच्छा न्यून प्रोजेक्शन दिया हो उससे आपको कार्बन वाले केस लिखना हो, कार्बन में बॉन्ड है, नहीं 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 ये ऐसा नहीं आना चाहिए यार। क्वेश्चन नंबर थ्री में तो डाउट है, किस किस को डाउट है? अच्छा तो मैं अनम्यूट करें एक मिनट के लिए। हाँ बोलो सुरेश। सर वो अगर मतलब ऐसे एक न्यूमन प्रोजेक्शन है और वो दूसरे इससे जॉइन हो, मतलब हाँ वो अच्छा वो लास्ट वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एट वो वाला, हाँ मतलब वैसे ड्रॉ करना हो तो नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं आएगा ऐसा, परेशान मत हो। हाँ सर ठीक। अब बताओ जितने बच्चे कम हो गए ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए इसलिए बच्चे कम होते जा रहे हैं इसमें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट है, थ्री तो नहीं बताऊं चलेगा क्या, वो तो स्किल शो करना ना, फोर वाला हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर फोर हो जाएगा, फाइव अब तुमको जिसमें डाउट हो वो पूछो डायरेक्ट है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब फाइव सिक्स सेवन एट बस चार ही तो डाउट है, सिक्स वाला ड्रॉ द न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ द थ्री हाइड्रोक्सी प्रोपेनल,
प्रोपेनल मतलब हो जाएगा ये, थ्री हाइड्रोक्सी, ये हो जाएगा फाइव का आंसर। बता दूंगा, बताता हूँ बेटा, रुक जाओ। इसका पहले उसने पूछा मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है, अब भी हल बी आएगा क्या? मिनिमम टॉर्सनल, जाना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने दो मुझे पहले। मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एक ही सबका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सीरियस ऐसे बन जाएगा ये? यहाँ पे OH है, यहाँ पे एल्डिहाइड हो जाएगा इस तरीके से CHO, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। बी आएगा क्या सर? नहीं सर, वो ऑप्शन से। अच्छा आंसर बताने हैं? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं सोचा उसका स्ट्रक्चर आना है। नहीं, सी आंसर आ जाएगा इसका, सी बोथ स्ट्रक्चर बनेगा ये, बोथ आएगा। और नहीं, ड्रॉ पूछा है। अच्छा मोस्ट स्टेबल, अरे दोनों की ऐसे बोथ हैं, एच बॉन्डिंग भी है और मिनिमम टॉर्सन स्ट्रेन भी है। टॉर्सन स्ट्रेन मिनिमम कैसे हो जाएगा बेटा? एक रीजन क्या है ना, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ना, ये कार्बन आपका sp2 होता है तो प्लेनर होता है, वजह से इसमें एच बॉन्ड होगा, वैसे इसका टॉर्सन स्ट्रेन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन, सेवन एट, सेवन डाउट है। द सेपरेट बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द, अरे अच्छा तुम ही बताओ, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या आप किसी भी कन्फर्मर आइसोमर को सेपरेट कर सकते हो क्या? क्यों, किसी भी कंफर्म आइसोमर को आप सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो ऑब्वियस बात है आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा ना स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा इसका कि नहीं होगा? बस हो गया, यही पूछा उन्होंने बस केवल। क्वेश्चन नंबर एट, एट तो क्लास में करवाया था। बस डन हो गया ये एक्सरसाइज वन, लेकिन तुम लोगों ने टाइम बहुत लगा लिया यार, एक्सरसाइज वन टू थ्री करने में बहुत टाइम आप लोगों ने कंज्यूम किया है यार। और अभी तो MS के डाउट भी बाकी रह गए आप लोगों के। क्यों, तो अब एक काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ना MS के डाउट डिस्कशन रखेंगे। अच्छा MS में केवल तीन चार डाउट है, तब भी नेक्स्ट लेक्चर में क्या ना MS के डाउट डिस्कस करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। अरे यार बहुत टाइम है यार, क्लास एक्स्ट्रा क्यों रखो यार? एट्थ का बस आंसर वेरीफाई करने के लिए बता दो आंसर, एट्थ का आंसर वेरीफाई करना तुम्हें, क्वेश्चन नंबर एट्थ का 4312। फोर थ्री वन टू ये आंसर आएगा एट्थ का। टाइम अपने पास सफिशियंट है, तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की नीड नहीं है बेटा। और नेक्स्ट क्लास से पहले टॉपिक पढ़ा लेंगे, देख ले, मैं देख लूंगा जैसा भी होगा सुटेबल होगा उस से मैं काम कर लूंगा। फिफ्थ की आंसर ही बता दो सिर्फ, फिफ्थ का होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है? चलो ओके, बाय बेटा।